मलाई से घी तो हम सभी आमतौर पर अपने घरों में बनाते हैं, पर कई बार हम इसको सही तरीके से नहीं बना पाते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मलाई से घी, बटर, छाछ और बचे हुए मावा से मिठाई बनाने का एक बहुत ही ट्रेडिशनल और परफेक्ट तरीका, जो सालों से हम अपने घरों में बनाते चले आ रहे हैं। आप भी इस मेथड को ट्राई करिएगा और देखिएगा आपका घी कितना परफेक्ट बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए देखते हैं घी बनाने का परफेक्ट तरीका। मलाई से घी निकालने के लिए यहाँ मेरे पास 2 हफ्ते की मलाई थी। तो जब भी आप मलाई निकालें तो उसको आप हमेशा फ्रीज़र में स्टोर करें, इससे वो बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहती है और ख़राब नहीं होती है। तो मैंने इसको एक बड़े बोल में निकाल लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दही और हम इसको बहुत अच्छे से मिला देंगे। तो मैंने दही इसलिए डाला है क्योंकि मैं इसमें दही का जामन लगाना चाहती थी। इससे क्या होगा, जो हमारा बटर मिल्क निकलेगा बटर बनाने के बाद, वो बहुत स्वीट निकलता है और उसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होता है। आप उसको कढ़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, इडली बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको नमक डाल के ऐसे ही पी सकते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और ओवरनाइट बाहर ही छोड़ देंगे। इसको फ्रिज में नहीं रखना है, बस ओवरनाइट बाहर छोड़ देंगे। और मैं आपको अब इसको कल दिखाती हूँ। मलाई को मैंने ओवरनाइट रख दिया था और अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखें, आप थोड़ी सी जम गई है क्योंकि हमने इसमें दही डाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, एक चमचा लेंगे और इसको बिल्कुल धीमे हाथों से इस तरह से मिला देंगे। तो बहुत सारे लोग मिक्सी में भी मक्खन बनाते हैं, पर मुझे ये तरीका ज़्यादा ईजी लगता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि हम मलाई को एक ही डायरेक्शन में जो है मिलाएं, इसका डायरेक्शन आप चेंज ना करें। और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। तो आजकल गर्मियों का सीज़न है तो मैं इसमें बिल्कुल चिल्ड वाटर डाल रही हूँ। अगर ठंड का मौसम है तो आप इसमें सादा पानी यूज़ करें या फिर हल्का गुनगुना पानी यूज़ करें। हम इसको इसी तरह से धीरे धीरे हाथ से चलाते रहेंगे एक ही डायरेक्शन में। मैंने मुश्किल से इसको 3 से 4 मिनट ही घुमाया है और आप देखें मक्खन जो है पूरा ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने हाथों से इस मक्खन को इस तरह से एक साथ करेंगे। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो मलाई है वो पूरी घुल जाती है जब आप मक्खन बनाने लगते हैं और मक्खन इस तरह से ऊपर नहीं आता है। तो आपको क्या करना होगा उस टाइम पे, अगर इस तरह का कुछ होता है तो उसमें आप काफ़ी सारा ठंडा पानी मिलाएं और फिर से धीमे हाथों से चलाएं उसको, तो जो मक्खन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर आ जाता है। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें से मक्खन निकाल लेंगे और यहाँ मैं एक और बोल ले रही हूँ, हम मक्खन जो है इसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें से सारा बटर निकाल दिया है और जो ये नीचे छाछ बची है, वैसे तो ये बहुत स्वीट होती है पर फिर भी एक बार आप टेस्ट करके देख लें, कई बार इसमें थोड़ा बिटरनेस आ जाती है तो आप उसको यूज़ ना करें। तो आप इसको उठा के फ्रिज में रख लें, आप इससे कढ़ी बना सकते हैं, आप इससे सूजी वाली इडली बना सकते हैं, या फिर जहाँ भी बटर मिल्क का यूज़ हो रहा होता है या फिर आप इसमें तड़का लगा के आप इसको एज अ बटर मिल्क पी भी सकते हैं। और अगर आप इसको बटर मिल्क की तरह यूज़ करना ना चाहें तो आप इसमें विनेगर या नींबू डाल के इसका फाड़ के पनीर भी बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था कि बाजार का बटर कैसे बनाया जाए, उसमें मैंने बताया था कि इसका पनीर कैसे बनाना है। तो मैं इसको अभी उठा के फ्रिज में रख दूंगी और आइए हम देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो ये देखिए, जो बटर हमने निकाला था ये वो बटर है, हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे और अब हम इस बटर को बहुत अच्छे से 2-3 बार धोएंगे, जिससे कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा दूध या मलाई के पार्टिकल्स रह गए हैं वो निकल जाए। इससे क्या होगा कि हमारा जो घी है बहुत ही टेस्टी बनेगा और वो काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब भी नहीं होगा। तो इसको आप इस तरह से अच्छे से वॉश करें ऊपर से नीचे हाथ करते हुए। और ये जो पानी निकला है आप इसको फेंक सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है, तो मैं नॉर्मली इसको फेंक देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको 3 बार धोया और 3री बार में मैंने इसमें अच्छे से बर्फ़ डाल दिया था। तो देखें आप कितने अच्छे से जम गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके इस तरह से बॉल्स बनाएंगे। बर्फ़ डालने की वजह से मक्खन एकदम अच्छे से ऊपर आ जाता है और जम भी जाता है, और इस तरह से करने से उसका सारा जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। और अब हम जिस वेसल में घी बनाने वाले हैं ये बटर के बॉल्स हम उसमें डाल देंगे। और आइए अब हम मक्खन से घी बनाएंगे। तो मैंने ये बर्तन गैस पे चढ़ा दिया है, गैस की फ्लेम को मैंने फुल पे रखा है और बस अब हम इसको पिघलने देंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है, नहीं तो ये जो है बेस पे जाके पैन के लग जाता है और घी जो है बहुत जल्दी जलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो बटर है ये भी येलो कलर का बना है, और जो ये घी बनेगा ये भी येलो कलर का बनेगा। ये इसलिए है क्योंकि मैंने काउ मिल्क का यूज़ किया है। अगर आप भैंस के दूध का इस्तेमाल करते हैं तो बटर और घी दोनों ही थोड़े वाइटिश कलर के बनते हैं। तो अभी हमें इसको तेज़ आंच पे पकाना है जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता है। ये देखिए जो घी है वो बनना शुरू हो गया है, और आप देखें इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। इस टाइम पर आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमे कर दें, और आपको अब हर थोड़ी देर में इसको चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है ये बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि घी ट्रांसपेरेंट हो गया है और ऊपर आ गया है, और जो ये मावा होता है ये देखिए चंक्स में कन्वर्ट हो गया है, मतलब पनीर जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। तो इस टाइम पर हम गैस ऑफ कर देंगे। घी अभी बहुत गर्म है, ये अपने आप में और पकता रहेगा, हम इसको अब इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, और अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक ये थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। ये देखिए जब घी हल्का सा ही ठंडा हुआ है तो मैंने इसको एक जग में निकाल दिया है, और आप देखें इसमें नीचे जो है ये जो खोआ होता है उसकी लेयर आ गई है और ऊपर फ्रेश घी आ गया है। और अब हम इसको छानेंगे। घी को छानने के लिए यहाँ मैंने ग्लास का बॉटल लिया है, और ध्यान रखिएगा ये बॉटल एकदम सूखा होना चाहिए। और अब हम एक छन्नी लेंगे इस तरह की, और घी को इसमें भर लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि घी जो है भरते समय बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो कांच का बॉटल टूट सकता है। ये देखिए अब जो ये मावा बचा है हम बिल्कुल धीमे हाथों से इसको दबाएंगे, इससे क्या होगा जो भी इसने घी एब्जॉर्ब किया है वो निकल जाएगा। तो बहुत ही हल्के हाथों से दबाएं, नहीं तो क्या होगा कि जो ये मावा के पार्टिकल्स हैं वो घी में पहुंच जाएंगे और घी ख़राब हो सकता है। और अब ये जो बचा हुआ मावा है अगर ये फ्रेश है, 2 हफ्ते की मलाई है तो ये एकदम फ्रेश होगा, खाने में ठीक होगा। अगर इससे पुरानी मलाई है तो कई बार इसमें कड़वापन आ जाता है। तो इस मावे को आप पहले चख लें, और बचे हुए मावे की हम मिठाई बना लेंगे। तो इसको मैंने वापस से कढ़ाई में डाल दिया था, और इसमें काफ़ी सारा शक्कर डाला था, और शक्कर डाल के उसको बहुत अच्छे से भून लिया था, और फिर मैंने इसको एक बर्तन में इस तरह से जमा लिया है, ये देखें आप। और इसको हम गार्निश कर देंगे थोड़े से कटे हुए नट्स के साथ। तो नट्स को हल्का सा सौते करके और इसमें डाल दें, और इसको भी मैं अच्छे से चम्मच से फैला दूँगी। तो बहुत ही टेस्टी मिठाई बन के भी तैयार हो जाती है। तो आपने देखा कि हमने मलाई से पहले बटर बनाया, बटर से घी, और फिर जो बचा हुआ मावा था उसका हमने इस तरह से स्वीट भी बना लिया। तो अगर आपको घी बनाने में दिक्कत होती हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और ट्राई करें। एकदम परफेक्ट घर का बना खुशबूदार घी बहुत ही आराम से तैयार हो जाता है। तो ट्राई करें और हमें फीडबैक में भी बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।